करुणानिधि की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, मरीना बीच पर किए जाएंगे दफन। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि को मरीना बीच में दफन किया जाएगा। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को चेन्नई के राजाजी हॉल में रखा गया था, जहां लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। करुणानिधि के अंतिम दर्शन के दौरान भगदड़, दो लोगों की मौत, 40 लोग घायल। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि का मंगलवार को चेन्नई के कावेरी अस्पताल में निधन हो गया। इसके बाद आज उनके पार्थिव शरीर को चेन्नई के राजाजी हॉल में रखा गया था, जहां उनके अंतिम दर्शन के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई जबकि 40 लोग घायल हो गए हैं। पीएम मोदी और राहुल ने चेन्नई में करुणानिधि को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह समेत कई हस्तियों ने ट्वीट कर करुणानिधि को श्रद्धांजलि दी। मुजफ्फरपुर कांड, समाज कल्याण विभाग के मंत्री मंजू वर्मा ने दिया इस्तीफा। बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को लेकर समाज कल्याण विभाग के मंत्री मंजू वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। इस केस में मंजू वर्मा के पति का नाम भी आ रहा था, जिसको लेकर विपक्ष के द्वारा लगातार मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। देवरिया कांड, हाई कोर्ट ने योगी सरकार को किया तलब, सीबीआई से मांगी 13 अगस्त तक जांच रिपोर्ट। देवरिया शेल्टर होम में बच्चियों से वैश्यावृत्ति कराए जाने के मामले को लेकर दाखिल याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें हाई कोर्ट ने सीबीआई से 13 अगस्त तक मामले की जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। नेशनल हेराल्ड मामला, राहुल गांधी को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। राहुल गांधी ने यंग इंडिया कंपनी की जांच इनकम टैक्स द्वारा कराए जाने के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैसला सुनाया। राफेल के बाद MI-17/4 पर उठे सवाल, कैग ने डील को बताया गलत। कैग ने संसद में पेश रिपोर्ट में कहा कि यदि इन हेलीकॉप्टरों के मरम्मत की ढांचागत सुविधा समय से देश में स्थापित कर ली जाती तो यह काम केवल 196 करोड़ रुपए में पूरा हो जाता और इससे रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलता। गृह मंत्रालय के सख्त निर्देश, प्लास्टिक से बने तिरंगे न करें इस्तेमाल। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले सभी नागरिकों को प्लास्टिक के बने राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ध्वज संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को भी कहा है। दलाई लामा ने कहा, महात्मा गांधी चाहते थे जिन्ना पीएम बने मगर नेहरू ने स्वीकार नहीं किया। दलाई लामा ने दावा किया है कि यदि महात्मा गांधी की जिन्ना को पहला प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा को अमल में लाया गया होता तो भारत का बंटवारा नहीं होता। दिल्ली में कावड़ियों की गुंडागर्दी, पुलिस के सामने कार पर बरसाए डंडे। दिल्ली के मोतीनगर इलाके में कावड़ियों का अलग ही रूप देखने को मिला। सावन माह के दौरान हरिद्वार से कावड़ लेकर आ रहे कावड़ियों ने बीच सड़क पर जमकर उत्पात मचाया और तोड़फोड़ की।